तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube चैनल में। आज का जो हमारा व्लॉग रहेगा वो मेनली वर्कआउट करूँगा मैं अभी घर पे, तो वो दिखाऊँगा उस पर रहेगा। और वैसे हमने नाम भी चेंज कर दिया हुआ YouTube का नाम जो है वो है द अर्बन गबरू, जिसमें मैंने दो प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें एक ट्रैवल और इवेंट्स के रिलेटेड ब्लॉग बनेगा, दूसरा फिटनेस के रिलेटेड। तो आज जो मैं आज का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो फिटनेस के रिलेटेड है। तो मतलब मैं घर पे वर्कआउट करूँगा, अभी मैं घर पे आ गया हूँ तो जिम कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जिम यहाँ से थोड़ा दूर भी है, टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे पास घर में कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। अभी आपको अपनी एक फ़ोटो दिखाऊँगा, तो उस फोटो का मतलब मेरी रीसेंट फ़ोटो है वो, तो उस फोटो का मैं आपको पूरा डेटा दूंगा कि मेरा वेट, बॉडी वेट इतना था, मेरी हाइट इतनी है या ये इतना है। तो मैं 30 डेज़ घर पे वर्कआउट करने के बाद क्या गेन कर पा रहा हूँ, क्या मेरी मसल स्ट्रेंथ बन रही है, क्या कैसे बन रहा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा वो 1 महीने बाद घर पे वर्कआउट करने के बाद। तो चलो फिर मैं आपको ले चलता हूँ अपने मिनी जिम में। हमारी मिनी जिम, मेरे पास यही इक्विपमेंट्स हैं, वो भी किसी फ्रेंड से लिए हुए मैंने, तो इसके ऊपर काम करेंगे हम। पहले चलो शुरू करते हैं, वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे तरीके से। तो भाई ऑल सेट, तो अभी ये हो गया हमारा वार्म अप। इसमें 3 सेट इंक्लाइन पुशअप्स, 3 सेट फ्लैट पुशअप्स, रैप्स आप जितने मर्जी लगा सकते हो। मैंने लगाए 30 30 22 कुछ करके, और ये इसमें 10 15 15 10 के 3 सेट लगाए। तो अभी आज मैं ट्रेन करूँगा अपने शोल्डर्स और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, और मतलब फुल आर्म और शोल्डर। और इसमें मेरे पास ये जो मैंने आपको इक्विपमेंट्स दिखाए थे, एक तो है स्ट्रेट बार और दो डंबल की रॉड है, मतलब प्लेटे उसमें लगा के। तो पहले मैं ट्रेन करूँगा बाइसेप्स ट्राइसेप्स यानी कि आर्म ट्राई करूँगा, ट्रेन करूँगा, उसके बाद शोल्डर लास्ट में। We'll be right back.
चिकू भाई, प्रोटीन लिया था मैंने पहले, तो यूज़ नहीं किया था, अभी मैं यूज़ करूँगा इसको। क्रूड वे का प्रोटीन है, 1 kg की पैकेजिंग मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं वही लूँगा इस।